हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपन लिपि डॉक्टर पूनम। बढ़ती उम्र, जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। उनमें से एक है हमारा चेहरा। बढ़ती उम्र के साथ हमारे जो चेहरे की स्किन होती है, त्वचा होती है, वो ढीली पड़ने लग जाती है। पहले तो हम खूबसूरत और हमारा चेहरा है वो एकदम नॉर्मल ग्लोइंग करता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे हम 30+ हो जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है लचीलापन आ जाता है स्किन में। तो ये जो लचीलापन है वो क्यों आता है? सबसे पहले तो हमारी एज की वजह से आता है, उम्र के साथ त्वचा है वो लूज़ होती है। दूसरा, अगर हम गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे आजकल आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम चेहरे को सुंदर रखें, खूबसूरत बना के रखें, तो इसके लिए हम कभी कभी गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। उसकी वजह से हमारे चेहरे की जो स्किन होती है वो लूज़ हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि पानी का कम पीना, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन एक मेन कारण होता है हमारे जो चेहरे का ग्लो ख़त्म करने के लिए, और हमारी चेहरे की जो स्किन है वो भी उसकी वजह से ढीली हो जाती है। साथ ही कुछ मेडिकेशंस अगर लेते हैं, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं लेडीज़ में, इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है कि हमारे चेहरे की स्किन है वो लूज़ हो जाती है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग चेहरे की त्वचा को टाइट करने के कुछ इफेक्टिव, यानी कि जल्दी ही आप कैसे अपने चेहरे की स्किन को टाइट कर सकते हो। ऐसे वैसे तो मार्केट में बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं, लेकिन उन क्रीम्स का इस्तेमाल करने से पहले आप मेरा ये वीडियो देखिए, और इसमें जो मैं घरेलू नुस्खे बता रही हूँ इनकी मदद से आप अपने चेहरे की स्किन को एकदम से टाइट कर सकते हो और एकदम नेचुरल ग्लो भी ला सकते हो। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चेहरे की स्किन को टाइट करने के कुछ घरेलू नुस्खे। सबसे पहला है अंडे की सफ़ेदी, यानी कि वाइट एग। अगर आप अंडा खाते हो या नहीं भी खाते हो, तो भी अगर आप जो अंडे का सिर्फ वाइट एग को फेंट सकते हो, या फिर आप इसको दही में मिला के भी इसको फेंट के अपने चेहरे पर 2 या 3 मिनट मसाज करके फिर इसको लगा के अप्लाई करके छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट। इससे आपके चेहरे की जो स्किन है वो टाइट होती है। इसको आपको रेगुलर करोगे तो आप आपका जो ये रिज़ल्ट है वो 1 वीक में ही आ जाएगा। 1 वीक में आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन है वो टाइट फील हो रही है, जो लूज़ जो ढीली पड़ गई थी त्वचा वो टाइट हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें एस्ट्रिजेंट्स होता है, जो हमारी त्वचा की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर आप ये लगाते हो तो इससे आपको 1 वीक के अंदर ही बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कॉफ़ी। अब आप बोलोगे कॉफ़ी कैसे हमारे चेहरे की स्किन को टाइट कर सकता है? तो जो कॉफ़ी में क्या करना है, थोड़ा सा नारियल तेल मिलाना है और थोड़ी सी चीनी, इनको मिक्स करके और थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट को थोड़ी सी देर अपने चेहरे पे मसाज की जैसे स्क्रब करते हैं, उसके बाद उसको एक फेस पैक की तरह लगा के छोड़ दीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट। इसको भी आपको रेगुलर करना है। आप चाहे तो दिन में 2 बार कर सकते हो, लेकिन 2 बार नहीं तो 1 बार तो आपको ज़रूर करना है। ये भी आपकी जो ढीली पड़ गई त्वचा है चेहरे की, उसको एकदम टाइट कर देता है। तो कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अपने त्वचा को टाइट करने के लिए। इसके अलावा नारियल का तेल, नारियल का तेल तो बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है, जो हमारी स्किन को हमेशा टोन करता है। आप रात को सोने से पहले नारियल के तेल से अपने चेहरे को मसाज करिए, मालिश करके, और उसके बाद तेल को एज इट इज़ वैसे छोड़ दीजिए, फिर सुबह उसको वॉश कर लीजिए। इससे भी आपके चेहरा है वो ग्लो करेगा, साथ ही दाग धब्बे भी मिटेंगे और आपके चेहरे की जो स्किन है वो भी टाइट होती है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी एक चेहरे का जो ढीली पड़ी त्वचा को टाइट करने का एक बहुत ही प्राकृतिक तरीका है और बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा गुलाब जल डालना है और उसको फेस मिक्स करके फेस पैक बनाना है, और उसको अपने चेहरे पे लगा के 15 मिनट तक उसको ड्राई होने दो, और उसके बाद उसको वॉश कर लो। ये मोस्टली बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन इससे आपकी जो त्वचा है, लूज़ अगर त्वचा है तो उस बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है, बहुत जल्दी टाइट होती है। तो फेस पैक का मुल्तानी मिट्टी से फेस पैक बना के आप अपनी त्वचा को टाइट कर सकते हो। नेक्स्ट है केले का मास्क, यानी कि बनाना मास्क।
केले को क्या करना है, आपको एकदम अच्छे से मसल के उसका एक पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट में थोड़ी सी कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलानी है, और उसको अपने चेहरे और गर्दन पर दिन में 2 बार अच्छे से लगाना है। मसाज कर लीजिए और 5 से 10 मिनट मसाज कीजिए, और फिर आप थोड़ी सी देर 5 मिनट तक उसको वैसे ही लगा के छोड़ दीजिए। इससे भी आपके चेहरे की जो ढीली पड़ी त्वचा है वो एकदम टाइट हो जाएगी, और ये अगर आप 1 वीक तक करोगे तो आपको फर्क नज़र आएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा है नींबू का रस, यानी कि नींबू आपको क्या करना है, नींबू के रस में थोड़ा सा शहद मिलाना है, और इन शहद और नींबू के रस को पूरे अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है, और ये कम से कम 2 से 3 मिनट ही करनी है, बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है, और ये सुबह सुबह भी करनी है और रात को सोने से पहले भी कीजिए। इससे भी आपकी त्वचा है वो टाइट होती है और उसमें खिंचाव आता है। नेक्स्ट है, सबसे आपने सुना भी होगा, या एलोवेरा जेल, यानी कि अगर आपको फ्रेश एलोवेरा मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एलोवेरा जेल होता है वो आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है, स्किन, बाल और पूरे चेहरे के लिए उसको ग्लोइंग भी बनाता है, और साथ में उसमें एक्ने, पिंपल्स उनको भी मिटाता है, और आपकी त्वचा को भी ये टाइट करता है। तो एक बहुत ही नेचुरल तरीका है, आप एलोवेरा जेल से अपने चेहरे को मसाज कीजिए, 3 to 5 मिनट्स कीजिए, उसके बाद उसको जेल को लगा के छोड़ दीजिए 5 to 10 मिनट्स, और उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, फिर आप अपने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लीजिए। इससे भी आपकी त्वचा है वो जल्द ही टाइट हो जाएगी, और आप यकीन मानिए ये बहुत लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है और आपको भी ज़रूर फ़ायदा होएगा। आप ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन नुस्खों से आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।